रावण ने स्त्रियों के बारे में क्या लिखा है? देखिए श्रोताओं, आपको आज मैं एक बहुत ही शानदार और ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के उपस्थित हुआ हूं। वीडियो आरंभ करने से पहले मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहूंगा कि जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब बटन के पास में ही छोटा सा एक बेल आइकन होता है उसे भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। तो आइए श्रोताओं, आज ये ज्ञानवर्धक और बड़ा ही रहस्यमय वीडियो मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। आप जानते हैं कि रावण रामायण का एक प्रमुख पात्र था। यदि रावण नहीं होता तो रामायण नहीं होती। रावण लंका का राजा था और अपने 10 सिरों के कारण जाना जाता था। रावण को 10 शीश भी कहा जाता था। यदि शास्त्रों की माने, शास्त्रों के अनुसार चलें, तो रावण महापंडित एवं महाज्ञानी था, जिसे अनेक भूत भविष्य और वर्तमान की घटनाओं का ज्ञान था। रावण ने एक प्रसिद्ध ग्रंथ भी लिखा है जो स्वयं अपने हाथों से लिखा, जिसका नाम है रावण संहिता। रावण संहिता में रावण ने उन सभी गुप्त रहस्यों का वर्णन किया है जो बहुत ही काम के और बड़े ही उपयोगी हैं। रावण लंका का राजा था और अपने 10 शीशों के कारण जाना जाता था, जिसे प्रत्येक बात का ज्ञान था। रावण इतना ज्ञानी था कि उसे पहले से ये अंदाजा लग जाता था कि आगे क्या होने वाला है। रावण अपने कई गुणों के कारण भी जाना जाता था, जिसके कारण उसकी प्रशंसा भी हुआ करती थी। भले ही रावण एक राक्षस था, लेकिन माता सीता का जब रावण ने अपहरण किया था, आपको ज्ञात होगा, तो वहां तुलसीदास जी ने एक चौपाई लिखी है, तब सक्रोध निश्चर खिसियाना, मन में चरण बंद सुखमाना। अर्थात सीता जी की बातों को सुनकर रावण को क्रोध तो आया, लेकिन मन में चरणों की वंदना की थी। ये साफ साफ लिखा हुआ है। रावण ने माता सीता का अपहरण अवश्य किया, परंतु अपनी मर्यादा में रहा। अपनी छाया भी माता सीता के ऊपर नहीं पड़ने दी। लेकिन रावण की एक गलती थी कि रावण को अपने अमर होने और सोने की लंका का इतना घमंड था कि खुद अपने सर्वनाश का कारण बन बैठा। लेकिन रावण ने प्रसिद्ध ग्रंथ रावण संहिता में बड़े ही रोचक तथ्यों का वर्णन किया है और उसी ग्रंथ में रावण ने महिलाओं के बारे में, स्त्रियों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जो सत्य भी हैं। आज भी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि उन बातों को देखें तो वो बिल्कुल सही और 100% सत्य हैं। तो आइए श्रोताओं, जानते हैं कि रावण ने आखिरकार रावण संहिता में क्या लिखा। रावण संहिता एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। उसमें मंत्रों से लेकर के जितने भी मंत्र हैं, मारक, तारण, सम्मोहक और प्रहारक, उन सभी मंत्रों का वर्णन रावण संहिता में किया गया है। किस तरीके से किसी देव को प्रसन्न किया जाए, इसका वर्णन भी रावण ने रावण संहिता में किया है। तो उसी रावण संहिता में रावण ने स्त्रियों के बारे में कहा है और रावण ने स्त्रियों के बारे में कुछ ऐसे रहस्य उजागर किए हैं जो वास्तव में सही हैं, उनको गलत नहीं ठहराया जा सकता, आज भी उतने ही प्रमाणिक हैं जितने उस समय थे जब रावण संहिता लिखी गई थी। तो देखिए, स्त्री का जो पहला दोष है वह होता है स्त्री का लालच। स्त्री लालची होती है। रावण ने अपने प्राण त्यागने से पहले स्त्रियों के बारे में कहा था कि स्त्रियां बहुत ज्यादा लालची होती हैं और वे अपना मतलब निकालने के लिए किसी हद तक गिर सकती हैं, कहीं तक भी जा सकती हैं, फिर चाहे उसको किसी को धोखा देना पड़े या किसी को मारना पड़े या किसी को अपने मार्ग से हटाना पड़े या किसी को उन्हें अपना बनाना पड़े। जो दूसरा है, पराया है, उसे भी वो अपना बना लेती हैं मतलब के कारण, लालच के कारण। स्त्रियां किसी भी लालच में बड़े ही आसानी से फंस जाती हैं और आपको भी उस लालच में फंसा करके विनाश की ओर धकेल सकती हैं।
ये स्वयं रावण लिखता है रावण संहिता में। देखिए श्रोताओं, रावण ने स्त्रियों के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण बात कही कि स्त्रियां अपनी बात से शीघ्र ही पलट जाती हैं, यानी एक बात पर नहीं रुकती, जो बात होती है उसे बदल जाती है, झूठ बोलने में माहिर होती हैं। रावण ने कहा था, रावण लिखता है कि स्त्रियां अपनी बात से बहुत जल्दी पलट जाती हैं। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती। आपने देखा होगा कि अधिकांश नारियां 90% तक झूठ का सहारा लेती हैं। वो अपने बचाव के लिए कितनी ही झूठ बोल सकती हैं, गंगा धर्म भी झूठा उठा सकती हैं। ऐसे भी कई प्रमाण मिलते हैं वेद शास्त्रों में। ऐसे में स्त्रियां कभी सत्य नहीं बोलती। यही कारण है कि स्त्रियों के ऊपर विश्वास करने से पहले बहुत सोच विचार कर लेना चाहिए। रावण कहता है कि स्त्रियां बात को पलटने में बिल्कुल समय नहीं लगाती, बहुत जल्दी वो बात से मुकर जाती हैं और उसका आरोप पुरुष के ऊपर रख देती हैं और उनके फंदे में पुरुष फंस जाता है। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। यदि आप भी ऐसी गलती करेंगे तो उसका खामियाजा आपको भी भुगतना पड़ेगा, आप देख सकते हैं। और तीसरी बात है राज की बात उजागर करना। महिलाओं के पेट में, स्त्रियों के पेट में कोई बात नहीं पचती है। जो भी कोई रहस्य की बात होती है उसको आप स्त्री को बता दीजिए और वो स्त्री उस बात को उजागर कर देगी। स्त्रियों के पेट में कोई भी राज छिप नहीं सकता, भले ही आप स्त्रियों के कितने भी सगे संबंधी क्यों ना हो, चाहे स्वयं की ही पत्नी क्यों ना हो, वो आपका भंडा कभी ना कभी फोड़ देगी। ऐसे में स्त्रियों को गुप्त राज नहीं बताएं, स्त्रियां गुप्त राज को आग की तरह फैला देती हैं। देखिए श्रोताओं, इसलिए कभी भी किसी भी स्त्री को अपनी गुप्त बातें मत बताइए, अन्यथा आपको बहुत बड़े संकट में डाल सकती हैं और आपको उसका नुकसान भुगतना पड़ेगा। अगर ऐसा किया तो स्त्रियां हमारे विनाश का कारण भी बन जाती हैं और ये बिल्कुल 100% सत्य बात है। और जो अगली बात रावण ने महिलाओं के बारे में बताई वो बात है किसी के बहकावे में आ जाना। देखिए श्रोताओं, स्त्री स्वभाव से कोमल होती है और ममता का मंदिर होती है, उसमें दया करुणा आदि कूट कूट करके भरे हुए होते हैं और वो बहुत जल्दी ही किसी भी व्यक्ति के बहकावे में आ जाती है। यहां तक कि आपने ये भी देखा होगा कि स्त्रियां अपने पति और बच्चों को छोड़ करके पराए पुरुषों के साथ भाग जाती हैं। उन्हें यह भी ज्ञान नहीं रहता कि हमारे बच्चे हैं, पति है, परिवार की बदनामी होगी, माता पिता की इज्जत खराब होगी। वो उस बात को भी ताक पर रख देती है और पराए पुरुषों के बहकावे में आकर के अपना जीवन खराब कर बैठती है। देखिए श्रोताओं, ये रावण ने रावण संहिता में वर्णन किया है। और स्त्रियां जब क्रोध में आती हैं, क्रोधी बहुत होती हैं। अगला जो रावण स्त्रियों के बारे में पॉइंट बताता है, कमी बताता है कि स्त्रियां बहुत क्रोधी होती हैं और जब स्त्री क्रोध में आती है तो फिर उसको संभालना आसान नहीं होता। स्त्री क्रोध में आकर के अपने घर का विनाश कर देती है, स्वयं आत्महत्या जैसे जघन्य अपराध कर बैठती है, स्वयं मौत को प्राप्त हो जाती है और अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने परिवार को भी गड्ढे में ढकेल देती है, उनको कष्टों में डाल देती है। स्त्री का क्रोध भी बड़ा भयंकर होता है। वो जब क्रोधित होती है तो वो कुछ नहीं देखती, उसकी सूझबूझ समाप्त हो जाती है। क्रोध जब स्त्री को आता है तो वो सोचना बंद कर देती है और जो बात उसके दिमाग में आ जाती है उसी की पूर्ति करने के लिए स्वयं बर्बाद हो जाती है, स्वयं मिट जाती है और अपने परिवार को भी मिटा देती है। आपने ये कई उदाहरण देखे होंगे, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी ये बातें साक्षात आपको दिखाई देती हैं। महिलाओं के फांसी, आत्महत्या जैसे कृत्य आपको देखने को मिलते हैं। ये क्या हुआ? ये उसी क्रोध का परिणाम है जो कि महिलाओं में होता है, स्वाभाविक गुण है उनका, परंतु उसे कंट्रोल करने के लिए
महिलाओं में समझदारी भी होना चाहिए। महिलाओं में यदि समझदारी नहीं होगी तो निश्चित मान लेना वो उस परिवार का खंडन कर देंगी, उस परिवार को नष्ट कर देंगी। यदि महिलाएं समझदार होंगी तो ही परिवार अच्छा चलेगा। महिला या औरत घर की मुखिया होती है, जबकि पुरुष होता है वो बाहर का मुखिया होता है, वो तो केवल कमा के लाता है। और जो घर में महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो एक स्त्री की होती है। और यदि स्त्री जाति में ये अवगुण हो तो सोचिए आप, क्या वो घर अच्छे तरीके से चलेगा, सुचारू तरीके से चलेगा? कभी नहीं चलेगा। ऐसे घर का विनाश एक ना एक दिन जरूर हो जाएगा। तो देखिए श्रोताओं, रावण जैसा प्रकांड विद्वान भी महिलाओं के बारे में ये कहता है कि महिलाओं में ये अवगुण हमेशा रहते हैं, हर महिला में ये अवगुण होते हैं, परंतु किसी में समझदारी अधिक होती है और समझदारी के चलते वो अवगुण झलक नहीं पाती, वो प्रभावी नहीं हो पाती, उनको समझदारी दबा देती है। तो ये रावण स्वयं रावण संहिता में कहता है कि महिलाओं से हमेशा सावधान रहना चाहिए, उनको समझा करके रखना चाहिए, उन्हें उचित मार्ग पर चलाना चाहिए, ये पुरुषों की जिम्मेदारी होती है। तो देखिए श्रोताओं, ये था हमारा आज का वीडियो। रावण ने क्या बताया महिलाओं के बारे में, क्या थे महिलाओं के राज। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट भी अधिक से अधिक करें। यदि आपकी कोई शिकायत हो तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट को हमारे अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ अब आपसे लेता हूं अनुमति इस वीडियो को विराम देने की। जय हिंद, जय भारत।